गुड मॉर्निंग। आज का दिन भी एकदम जबरदस्त हुआ है और देखिए चेहरे पे धूप आ रही है मेरे पीछे। दिन कितना अच्छा है और कल भी दिन अच्छा था, उससे पहले 3-4 दिन लगातार बारिश थी और मेरे ख्याल से आगे भी बारिश है अभी दिल्ली में, लेकिन फिलहाल कल मौसम अच्छा था। लेकिन वो कई दिनों बाद अच्छा था तो बस कपड़े धोने काम करने में निकल गया, मतलब सुबह सुबह का वक्त सारा, और फिर शाम को मिली थी। पर आज दिन सुबह से अच्छा है तो हम सुबह से मिल रहे हैं और आज मेरे पास कोई बहुत पेंडिंग वर्क भी नहीं है तो समय है हमारे पास मिलते रहने का, बात करते रहने का। और बड़ा अच्छा लग रहा है फ्रेश फ्रेश मॉर्निंग देखकर सुबह सुबह। मैं दिखाती हूँ, देखिए कबूतर बेचारे उड़ रहे हैं, इधर गिलहरी चल रही है, एकदम धूप, साफ मौसम, सामने सूरज चमक रहा है चिड़िया पक्षी सब उड़ रहे हैं, सब खुश हैं, नीचे डॉगी भी है। इस गली में भी धूप नहीं आई है, थोड़ी लेट आती है क्योंकि दोनों साइड से लंबे लंबे घर हैं, पर इस गली में धूप आ जाती है। और अच्छी बात यह है कि मेरे घर के दोनों तरफ गलियां हैं तो मुझे दोनों फायदे मिलते हैं और इसके दोनों नुकसान भी मिलते हैं। चाय बनाते हैं, सुबह सुबह चाय पीते हैं और दिन की हैप्पी हैप्पी वाली शुरुआत करते हैं। आप लोग कैसे हैं बताइए, आपके शहर का माहौल कैसा है बताइए, धूप निकल रही है या नहीं बताइए। इतने सारे लोग वीडियो देख लेते हैं और कोई कमेंट नहीं करते मेरी शिकायत। अरे कुछ तो बताइए वीडियो के बारे में, अपने बारे में, कौन है, कहाँ से देख रहे हैं और क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। शेयर करेंगे तभी तो बात होगी ना, तभी तो कनेक्शन बनेगा। तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, ऐसे जरूरी थोड़ी है चुपचाप चुपचाप मेरे को सुनते रहना है, हम बात कर सकते हैं। तो कैसे बात कर सकते हैं, ऑफकोर्स आप कमेंट करेंगे तभी बात होगी ना, नहीं तो कैसे बात होगी बताइए। अदरक डाल, सर्दियों में अदरक तो जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। चाय पत्ती तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आज मौसम इतना अच्छा हुआ है, सोचा कि घूम के आना चाहिए बाहर। कहाँ जाए ये भी नहीं पता, कौन सी चीज खुली है कौन सी चीज बंद है, कहीं चले जाए तैयार वैयार होके और पोपट हो जाए, पता चले गेट पे ताला बंद है, मालूम नहीं ना दिल्ली में क्या खुला है और क्या बंद है। हर दिन एक नई लिस्ट आ जाती है कि ये होगा ये नहीं होगा, फिर नए दिन और आ जाती है कि नहीं नहीं ये गलत था, अब ये होगा अब ये नहीं होगा। तो यहाँ हर दिन कुछ नया हो रहा है और हम लोगों को पता ही नहीं है कि क्या नया हो रहा है। ये हो रहा है, चाय बन चुकी है, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। ये मेरे फोन में बैटरी जा रही है, चार्ज करना पड़ेगा। और ये गरम गरम चाय देखिए बहुत ही चल रहा है कितना सुंदर लग रहा है, मुझे तो वीडियो देख के अच्छा लगा। टेस्टी, बढ़िया, उत्तम।
चलिए धूप के साथ चाय का मजा लिया जाए। धूप और चाय, धूप और चाय। आये हाय, उत्तम उत्तम, अति उत्तम अति उत्तम। आज तो दिन काम में निकल गया और शाम जो थी वो बस कोई मिलने आ गया और बातों में निकल गया, तो मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई और बिल्कुल व्लॉगिंग का टाइम नहीं मिला। तो बस अभी मेहमान हमारे गए हैं और हमने सोचा कि अब क्या दिखाएं, मतलब चाय नाश्ता सब हो चुका है तो मुझे नहीं लगता मैं डिनर विनर करने वाली हूँ, तो बस बातों में निकल गया शाम आज सारा और रात हो गई है। तो आज का वीडियो छोटा है, थोड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया और दिन अच्छा था, धूप निकली हुई थी, काफ़ी सुहाना सुहाना दिन था। सर्दी हो गई है, अब शाम को हवा चल रही है, ठंड हो गई है, तो ठंड से आप लोग भी बचे। और नाइट कर्फ्यू चल रहा है तो रात को दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रहता है। आपके शहर का क्या हाल है बताइए, और ठंड का मौसम कैसा है ये भी बताइए। और बस छोटा वीडियो है, पता है व्लॉग छोटा है, और जो मेहमान जो लोग आए हुए थे वो उनके सामने मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकती थी, और ऐसा अच्छा भी नहीं लगता ना, आप सामने वाले कंफर्टेबल हो ना हो, अपनी इच्छा होती है ना हर किसी की, तो लोगों को उनके हिस्से की प्राइवेसी देनी चाहिए, ये हमारा है तो हम लोग अपना अकेले में कर लेते हैं, तो इसलिए फिर मैंने करना ज़रूरी नहीं समझा। बस चाय नाश्ता ये सब हो गया है, तो खैर आज का दिन तो यही था, निकल गया, अब कल मिलते हैं, बाय।